हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं भी उठ गया हूँ। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और डेफिनेटली इट इज़ अंटिल लेट। कल रात को लेट से सोया था, फिर वापस आया, थका हुआ था, आराम करने लग गया, बिल्कुल सो गया था कल तो मैं दिन भर। तो रात को थोड़ी लेट नींद आई, लेकिन खैर अब उठ ही गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ब्लॉग दिखाई दे आज का कुछ ना कुछ। तो आज के ब्लॉग तो कुछ फीकी रहेगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स उसके डालूंगा ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि वो वहाँ बैठे बैठे मेरी कैसी कैसी वीडियोस भेज रही है जो उसने यहाँ शूट किए थे। खैर मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी समझें कि मुझे आज कितना ज़्यादा काम करना है। सो लेट्स सी, गो अहेड। गाइस, बेड तो वैसे ही गंदा पड़ा है, सोफे पे भी देख लीजिए कितना सारा है, यहाँ तक कि ये साड़ी सूड़ी भी सब कुछ फेंका हुआ है। तो आई हैव टू क्लीन ऑल ऑफ देम। एंड रूम क्लीन हो चुका है क्योंकि मेड आई हुई थी क्लीनिंग करने के लिए। सो लेट्स सी। फाइनली गाइज, आप देख सकते हैं रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि बीवियाँ नहीं होती तो फिर रूम साफ नहीं होता है, होता है। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे रूम में गेस्ट आए हुए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ब्रेकफास्ट निकाल के ले आइए अपना भी और मेरा भी। ना रहे हैं। नहीं खाएंगे। मेरा निकाल के तो ले आओ, बाद में देखते हैं ला रहे हैं कि नहीं। गाइज आप लोग भी देख लेंगे। सो गाइज, फाइनली मैं किचन में आ गया हूँ और जैसा आप जानते हैं प्रिंस ने खाना नहीं दिया। सो आई विल हैव टू टेक माय ब्रेकफास्ट ऑन माय ओन। और आज ब्रेकफास्ट में क्या बना हुआ है? भिंडी की सब्जी, रोटी और दाल, राइस भी बन चुका है और चोखा भी बन चुका है। जो लोग लिट्टी खा रहे हैं बिहार से होंगे उनको पक्का पता होगा। सो यम्मी फूड, प्रिंस जाग जाग के जा रहा है। सो लेट्स टेक अ ब्रेकफास्ट। खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा वैसे, लेकिन खाना पड़ेगा। विल हैव टू टेक। ऑलराइट गाइस, नाउ आई हैव फाइनली टेकन माय ब्रेकफास्ट। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ प्लान तो नहीं है, लेकिन मनीषा ने कुछ वीडियोस भेजे थे, मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा। और अभी आप उन वीडियो को भी देखें वो कैसे लाइक मेकिंग फन ऑफ मी और मेरे को चिढ़ा रही है कि ये वीडियो आप ब्लॉग में डालिएगा। तो मैं डाल ही दे रहा हूँ, छोटा सा एक ब्लॉग है, ज़्यादा नहीं। मैं गेम खेल रहा था मुझे, और उसके बाद से मैं कुछ फैन फैमिली की फैमिली से वालों आप लोगों की कमेंट्स को पढ़ूंगा लाइव इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आई होप सबको मज़ा आएगा और आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज मम्मी बीमार हैं, इनफैक्ट 2-3 दिन से बीमार हैं, और खाना पीना सब उन्होंने ही बनाया है। अभी वो उनको ठंड भी लग रही थी तो वो उड़ करके सोई हुई हैं। सो आई होप, मेडिसिन अभी लिया हुआ है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो ठीक हो जाएंगी जल्दी। सही है, मिलते हैं वीडियो के बाद। हे गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ये देखिए कैसे मेरा वीडियो बना रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और मैं अपने मायके हूँ और मेरे को तो अभी 1-2 दिन थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब मम्मी पापा का सबका याद आ रहा है, मिस यू मॉम पापा। और
मेरे को गाइस आप लोग बताइएगा कि कल का ब्लॉग कैसा लगा। मैं जब अपने घर आ रही थी तो मुझे उम्मीद है कि कल का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और उसका काफ़ी ज़्यादा ही व्यू आया है। और आप लोग ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब चैनल जो है मनीषा सचिन दास, सचिन मनीषा। मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब हैं। मुझे उम्मीद है कि कल का ब्लॉग शायद बहुत ही अच्छा लगा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ही व्यू आया है। और मैं तो आज यहाँ पे हूँ, उतना मेरा भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि अभी आए हुए एक ही दो दिन हुआ, इसलिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं अभी जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, अभी 5 मिनट में डॉक्टर के पास जाऊंगी, वहाँ का ब्लॉग लगाना। तो आप लोगों ने देखा ही कैसे वहाँ जाने के बाद यहाँ की याद और यहाँ आने के बाद वहाँ की याद, ये तो अक्सर होते रहता है। सो गाइज, अब वक्त हो चला है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ूं। और कुछ लोग हैं जो इतनी खूबसूरती से आप लोग कमेंट कर रहे हो ना बाकी, और मुझे उसको रीड करना भी चाहिए था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्लॉग में आप सभी के कमेंट्स को भी पढ़ा जाए और साथ के साथ कुछ रिस्पॉन्स भी दिया जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने दूसरे फ़ोन से आप लोगों के कमेंट्स को पहले टेक डाउन करूँगा। तो एक पहले तो मेरे को कमेंट जो पढ़ना है, ओह माय गॉड, इस पर तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैंने अभी तक चेकआउट भी नहीं किया। सो गाइस, सबसे पहले एक कमेंट है, आकृति सिंह कहती हैं, यार मैं इतने कमेंट्स करती हूँ, आप ज़रूर मेंशन करना मेरे कमेंट्स को अपने ब्लॉग में। कोई स्पेसिफिक ऐसे ब्लॉग बनाइए जिसमें फेवरेट कमेंट्स मेंशन करिएगा। ओके आकृति जी, मैं ज़रूर ऐसा कोई ब्लॉग बनाऊंगा। और लेकिन आपने मेंशन करा मेरे कमेंट्स को, आपने नहीं मेंशन करा मेरे कमेंट्स को तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और वीडियो नहीं देखूंगी फिर। अरे बाबा सॉरी, ऐसी बात नहीं है गाइज़, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके कमेंट्स को पढ़ सकूँ। बहुत मज़ेदार कमेंट्स होते हैं इनफैक्ट, और कुछ लोग के कमेंट्स तो बिल्कुल वाहियात भी होते हैं, तो मुझे टेक डाउन करना पड़ता है। लेकिन गाइज, आई थिंक 99% ऑफ कमेंट्स आर लाइक वेरी 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 अमेजिंग गाइज। यू पीपल आर शोइंग योर सेंसिबल्स, एंड मतलब आप लोग किसी भी चीज़ों को सेंसेस में अपने ले रहे हैं और जब उसको बोल रहे हैं ना, तो दैट इज़ लाइक, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। मुझे भी कभी फील नहीं होता है कि यू पीपल आर लाइक दूर हैं कहीं मेरे घर से। आप लोग ऐसा है कि एक परिवार का ही आप लोग एक अभिन्न अंग हो। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है, खुशी गुप्ता पूछती हैं, वन थिंग यू वुड लव एंड हेट अबाउट ईच अदर। ये सारे क्वेश्चंस ना जब हम दोनों बैठेंगे तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर वाले वीडियोस में खुशी। सो इनाया कश्यप बोलती हैं, हाय आप कैसे हैं? मनीषा मैम आप सब कैसी हैं? बहुत ही प्रीटी लग रही हैं। मनीषा मैम के बिहाफ पे बहुत बहुत थैंक यू, और हम लोग बहुत अच्छे हैं अभी, थैंक यू फॉर आस्किंग। ख्याति बिहारी, शुभम कनविज, परिवार गोपालगंज, आपको कब ख्याल आया कि आपको एक YouTube चैनल बनाना चाहिए? YouTube चैनल तो मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, इनफैक्ट आई थिंक 4-5 साल पहले से ही चैनल बना हुआ है, लेकिन वीडियोस मैं बहुत रेयरली अपलोड करता था, अपने एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह जो पढ़ाते वक्त वाली वीडियोज़ थी। लेकिन ये ऐसी वाली वीडियोज़ मेरे को लग रहा है कि करीब पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने पहली वीडियो डाली थी, फिर बहुत रेयर थे, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद हमारी वीडियोस रेगुलरली यहाँ यूट्यूब पे भी आने लग गई। यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ फॉर मेनी हस्बैंड्स, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू सो मच कीर्ति शाही। इनफैक्ट मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं धरती पे। और हाय सचिन एंड मनीषा, सोमा यादव कहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके व्लॉग्स देखना, मैं वेट करती हूँ मनीषा आप जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे आप दोनों के साथ में व्लॉग्स देखना है और देखना भी चाहती हूँ, ज़रूर आ जाएंगे। वक्त गुजरने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, और जैसे वो आएंगे आप लोग फिर से हमारे व्लॉग्स को इकट्ठे यहीं बाजू में देखेंगे आप लोग, और आप लोग बहुत मज़ा आएगा गाइज, सीरियसली। एंड गाइज, मीनवाइल मैं जब ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए,
लाइक आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट इस हद तक हो चुका है कि आज 20,000 सब्सक्राइबर रीच हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत 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 मायने रखता है एंड रियली इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर सेलिब्रेशन। लेकिन मनीषा नहीं है तो सेलिब्रेशन थोड़ी फीकी है, लेकिन आप लोगों का प्यार बेशुमार है। और गाइज बहुत 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 तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। चलो नेक्स्ट कमेंट को भी पढ़ते हैं ज़रा। अर्पिता राय कहती है, मनीषा जी प्लीज़ समटाइम्स वियर वेस्टर्न ड्रेसेस, यू विल बी लुकिंग मोर क्यूट एज यूजुअल, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, लाइक ब्लॉग बनाने में या फिर ऐसे भी। ज़रूर आपकी इस सजेशंस को हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं और जैसे वो आएंगी वी विल ट्राई टू शूट इन सम वेस्टर्न ड्रेसेस। लेकिन आप समझ सकते हैं वी आर फ्रॉम बिहार एंड लाइक कल्चर वगैरह है कि अभी नई नई शादी है तो थोड़े दिन तो वी पीपल हैव टू एडजस्ट। लेकिन हम लोग जब घूमने जाते हैं तो नो डाउट भाई कोई फिक्र नहीं है, बाहर जैसा रंग माहौल होता है वैसे हम लोग अपने ड्रेसिंग्स को भी रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। रचना कुशवाहा कहती हैं, क्या लोग सच में अरेंज मैरिज करके खुश होते हैं? आई एम सो स्केयर्ड क्योंकि मेरी भी अरेंज ही होगी। अरे रचना मैम बहुत बहुत अच्छी बात है, ये पूरे पूरा जो अरेंज मैरिज है ये डिपेंड करता है आपके और आपके हस्बैंड पे, यानी कि दो लोग और साथ के साथ दो परिवारों पे भी निर्भर करता है। तो पहले तो आप लोग दोनों को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, बाकी उसके सामने कोई भी आए आप लोग आराम से फेस कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पति पत्नी अगर अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके सामने कमज़ोर हो जाएगी। और अरेंज मैरिज मेरा एक्सपीरियंस तो खैर टच वुड बहुत अच्छा है। मनीषा दी आप अपने घर नहीं ना जाइए, अगर जाना है तो वहाँ पर आप ब्लॉग बनाना भूलिएगा नहीं क्योंकि आपको बहुत मिस करेंगे हम सब। गाइज मनीषा का भी एक ब्लॉग आने वाला है, आप लोग टेंशन ना लें, और जैसे उनका ब्लॉग आएगा मैं उस ब्लॉग को अपलोड भी करूँगा। और आई वॉच योर ब्लॉग डेली, प्रमोद दुबे कहते हैं, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। When are you planning for baby? I don't have any plan right now, Nikita Upadhyay. Hi, this is Aishwarya. Any question is that? मैं भी question नहीं बताऊँगा, total earning किसी से पूछा नहीं जाता, अभी lockdown में बिल्कुल zero है, बिल्कुल almost ना के बराबर ही है। खैर blog आप लोगों का awesome रहता है, संगीता कुमारी कहती हैं awesome रहता है। सेम जैसे पुराने यूट्यूबर बनाते हैं ब्लॉग्स वैसे आप लोग भी हैं, आप दोनों को किसी की नज़र ना लगे। काला टीका का, मैं काला हूँ और यहाँ पे काला टीका लगा लेता हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये जो प्यार है ना, मतलब लाइक सीरियसली गाइस समटाइम्स इट ब्रिंग्स टीयर्स एंड इमोशंस इन माई आइज़ एंड इन माई सोल। सचिन भाई मैं अपने मॉम के फ़ोन से आपकी वीडियो देखती हूँ, नीलम कुमारी कह रही हैं। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मनीषा को हर बात पे जो प्रोनाउंस पे बोलते हैं सेम ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। मेरा फ्रेंड मेरे अगर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करती हूँ तो फटाक से उसको सही बोलने लग जाता है और मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। गाइज पता है क्या, कभी भी आपको कोई करेक्ट करे ना ऐसा मत सोचना कि प्रवचन दे रहा हूँ, जस्ट सोचना कि मैं तुम लोगों का भाई हूँ और उस तरीके से इसको लेना। तो जब भी आपको कोई करेक्ट करता है ना तो गाइज टेक इट एज ए चैलेंज और उस पर कभी हिचकिचाओ मत। मैं अपनी वाइफ को करेक्ट करता हूँ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी वाइफ इंसल्ट करते हो, नहीं गाइज ऐसी कोई बात नहीं है, उसको फील नहीं होता इंसल्ट तो फिर मुझे कैसे फील होगा, और जब मुझे नहीं फील होता तो आप लोग तो हमारी फैमिली के मेम्बर हैं, आपको भी फील नहीं होना चाहिए। बिकॉज गाइज मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कुछ कुछ जो चीज़ मेरे पास है थोड़ा बहुत वो चीज़ तो शेयर कर सकूँ, और अगर करेक्शन करने से किसी की इंसल्ट होती है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा हमारा कोई मीन नहीं होता है, वी डोंट रियली मीन। लेकिन कोई आपकी भी अगर खामियों को निकाले तो उसको चैलेंज लेकर के करेक्ट करो और सीखो। कहते हैं ना काबीर का एक साखी का दोहा भी था, निंदक नेड़ा राखी है आंगन कुटी बधाई, बिन सावन पानी के निर्मल करे सुभाई। सो ये मैंने 10th क्लास 2009-10 के आसपास मैंने जब किया था तब मैंने इस चीज़ को पढ़ा था और अभी तक मुझे याद है। सो कहीं ना कहीं अपने निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए, और मैं निंदा नहीं करता हूँ गाइज, मैं तो वो तो मेरी अपनी है। सो वी पीपल आर नॉट लाइक सेपरेट, दो बॉडी जरूर हैं लेकिन वी आर सिंगल बाय आवर सोल। चलिए बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं एक कमेंट्स का ब्लॉग अलग से सेपरेटली बनाऊंगा, उसमें सारे फैंस के कमेंट्स पढ़ूंगा। आज इतना ही रहने देता हूँ। मनीषा जी आप 3-4 महीने के लिए क्यों जा रहे हो?
सुरभि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सुरभि रतनाम कहती हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। और चलिए काफ़ी है, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके, और आई होप यू पीपल हैव एन्जॉयड आवर ब्लॉग। एंड प्लीज़ गाइज ऐसे ही अपना प्यार बरसा रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड लोड्स ऑफ लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऐसा मत सोचिएगा मैं कोई गैर हूँ, मैं खुद आपका भी एक परिवार का हिस्सा हूँ जैसे आप लोग हमारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए, और 20,000 सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई सोल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। एंड ऐसा मत सोचिएगा कि मनीषा नहीं है तो आप लोग बोर हो जाएंगे, नो वी विल ट्राई डेफिनेटली समथिंग इन न्यू और द बेटर वे। और बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।